जॉर्डन की राजधानी अम्मान में भी उग्र प्रदर्शन हुए हैं और वहां पर प्रदर्शनकारियों ने इजरायली एम्बेसी में घुसने की कोशिश की है। सामने ही उग्र भीड़ ने आगजनी भी कर दी। प्रदर्शनकारी जबरदस्त नारेबाजी भी कर रहे थे। इस बीच में इसराइल और हमास युद्ध के बीच में हालात वहां कैसे हैं, इसकी एक तस्वीर बीती रात को तेल अवीव में दिखी है, जब इजरायली दौरे पर पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स तेल अवीव में पहुंचे थे और जैसे ही उनका विमान टेक ऑफ करने वाला था उसी वक्त एयर रेड अलर्ट बजने लगा, साइरन बजने लगा। तभी वो विमान से उतरे और भागकर विमान के निचले भाग में जा छिपे। चांसलर के साथ उनकी पूरी टीम भी वहां भागती हुई नजर आई। यह तस्वीरें तेल अवीव की तस्वीरें हैं जर्मन चांसलर की, उनकी पूरी टीम की, जो कि बचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जब सायरन बजता है तो आपको एक ऐसी जगह पर पहुंचना होता है जहां पर आप सिक्योर हो, और वहां छुपने के लिए जगह बस एकमात्र वही विमान था जिससे उनको जाना था, उसके निचले भाग में जाकर वो छिप गए। चांसलर के साथ उनकी पूरी टीम भागते हुए नजर आए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इसराइल में, इसराइल के अलग अलग शहरों में क्या हालात हैं।